Again, good morning, everyone. This is your Nilofer, ma'am. I hope you all are fine and you all have seen the first part of the video explanation. So, uh, I was explaining you the lesson uh, that is direct and indirect speech, and I have explained you. मेनी रूल्स रिलेटेड टू देंजेस ऑफ टेंसेज रिलेटेड टू देंजेस ऑफ प्रोन्स एंड रिलेटेड टू देंजेस ऑफ मॉडल्स नाउ आई विल एक्सप्लेन यू चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब किस तरीके से रिपोर्टिंग वर्ब में चेंजेस होते हैंडी टोल्ड यूटेंस है वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को कॉमा से सेपरेट किया जाता है ही आस्ड रिपोर्टिंग वर्ब कॉमा कैन आई टेक द कॉर्नर सीट क्या मैं कॉर्नर सीट ले सकता हूँ दैट इज रिपोर्टेड स्पीच ंगवेड बाई देंटेंस इन इनडायरेक्ट सॉरी डायरेक्ट स्पीच डिफरेंट रिपोर्टिंग वर्ब्स इन द इनडायरेक्ट स्पीच टू रिप्लेस वर्ड्स लाइक सैड एंड टोल्ड सो डिपेंड करता है ऑन द मीनिंग कन्वेड किस सेंटेंस में क्या मीनिंग कन्वे किया जा रहा है डायरेक्ट स्पीच में सो डिफरेंट रिपोर्टिंग वर्ब जो होती है उसी के अनुसार जो है वो रिप्लेस करती है रिपोर्टिंग वर्ब को लाइक like, आपकी रिपोर्टिंग वर्ब जो रिपोर्टिंग um, uh, वर्ब में आपकी वर्ब दे रखी होती है लाइक सैड एंड टोल्ड सो उसी के अकॉर्डिंग चेंज होती है दैट आई विल एक्सप्लेन यू सो एज यू कैन सी द टेबल फंक्शन इन डायरेक्ट स्पीच एंड रिपोर्टिंग वर्ब इन इनडायरेक्ट स्पीच किस तरीके से होती है लाइक like, अगर आपका ऑर्डर है सो so ऑर्डर्ड हो जाता है रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट रिक्वेस्टेड प्लीडेड इम्प्लोर्ड एडवाइज एडवाइज अर्ज एडवाइज प्रोहिबिशन एडवाइज फॉरबेड डायरेक्शन डायरेक्टेड वॉर्निंग बॉन्ड क्वेश्चनिंग समायरेक्टली कॉल्ड सो इस तरीके से आपकी रिपोर्टिंग वर्क के भी चेंजेस रहते हैं द क्वीन सेट टू हर एडवाइजर क्वीन ने अपने एडवाइजर से कहा गो फैच मी अफ द किंगडम जाओ और मुझे मैप ला कर दो किंगडम का राज्य का सो so, यहाँ पर ऑर्डर भी हम कर सकते हैं बिकॉज द द द द क्वीन क्वीन इज गिविंग ऑर्डर टू टू हर 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 एडवाइजर एडवाइजर ऑर्डर्ड गो एंड फेच मैप ऑफ किंगडम सैमसन सेड टू हिज ब्रदर सैमसन ने अपने भाई से कहा यू शुड वेकअप अर्ली एंड गो फॉर अ जॉग सैमसन एडवाइज हिज ब्रदर टू वेकअप अर्ली एंड गो फॉर अ जॉग सैमसन ने अपने भाई को एडवाइज किया कि वो जल्दी उठे और जॉगिंग के लिए जाए उट सी द रिपोर्टिंग वर्ब होती है टोल्ड एंड आस्ड इनको कभी भी इनके बाद टू का यूज नहीं करते हैं ही आस्ड मी वॉट इज द टाइम नॉट टू मी ही टू मी ये गलत होगा आई टोल्ड हिम इट इज सिक्स ओ क्लॉक ना कि ये बोलना की आई टोल्ड टू हिम इफ द रिपोर्टिंग वर्ब सैड हैज़ एन अर्ली हैज़ एन ऑब्जेक्ट लाइक मैंने आपको बताया कि अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट भी दे रखा है द क्वीन सेट टू हर एडवाइजर सो यहाँ क्वीन आपका सब्जेक्ट uh, है और एडवाइजर क्या है आपका ऑब्जेक्ट है सो so अगर रिपोर्टिंग वर्ब में आपका ऑब्जेक्ट दे रखा है इट इज ऑलवेज फॉलोड बाई द वर्ड टू सो हमेशा आपका टू uh, वर्ड आएगा ही सैड ही सेट टू मी ओके okay. नेक्स्ट आता है आपका चेंज इन टाइम एंड प्लेस इंडिकेटर्स किस तरीके से टाइम एंड प्लेस इंडिकेटर्स में चेंज होता है व्हेन यू आर चेंजिंग अ सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच नाउ आपका देन हो जाता है हेयर देयर टुडे दैट डे दिस मॉर्निंग दैट मॉर्निंग यस्टरडे द डे बिफोर टमोरो द नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीक द फॉलोइंग वीक नेक्स्ट मंथ द फॉलोइंग मंथ एगो बिफोर द सो लास्ट नाइट द नाइट बिफोर हैंस देंस कम गो नेक्स्ट आपका आता है यूज ऑफ से एंड टेल वी यूज से एज द रिपोर्टिंग वर्ब वेन वी फोकस ऑन द वर्ड्स ऑफ द स्पीकर जब हम स्पीकर uh, के वर्ड्स पर फोकस करते हैं तब हम से का यूज करते हैं वी यूज टेल वेन वी कन्वे वर्ड द स्पीकर हैज सेट टू सम्बडी और टेल हम तब लिखते हैं जब स्पीकर uh, किस व्यक्ति से कह रहा है नमन सेट टू मी आई एम एग्जॉस्टेड आफ्टर द लॉन्ग एंड टम्यूट सॉरी नम्रता सेट टू मी नम्रता टोल्ड मी दट शी वॉज एक्सॉस्टेड आफ्टर द लॉन्ग एंड टायरिंग कम्यूट सो यहाँ पर आपका सैड uh, की जगह पर टोल्ड हुआ है बिकॉज किसी दूसरे व्यक्ति को कहा जा रहा है शीतल सैड टू मी आई एम हैप्पी टू गेट अ चांस टू वर्क विद द चिल्ड्रन शीतल टोल्ड मी दैट शी वॉज हैप्पी टू गेट अ चांस टू वर्क विद द चिल्ड्रन दैन रिपोर्टिंग एजर्टिव सेंटेंसिस किस तरीके से एजर्टिव सेंटेंस को रिपोर्ट किया जाता है वैन बी रिपोर्ट एजर्टिव सेंटेंसिस द रिपोर्टिंग वर्ब सैड इज चेंज टू टोल्ड सो आपकी जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है सैड वो टोल्ड में चेंज हो जाती है एज मैंशन बिफोर वी मे ऑल्सो यूज अदर रिपोर्टिंग वर्ब्स हम दूसरी रिपोर्टिंग वर्ब्स भी यूज कर सकते हैं जैसे कि एडवाइज आज आंसर्ड एडमिटेड कन्फेस्ड और रिमार्क्ड इन स्टेड ऑफ सैड द डॉक्टर सैड टू मी डॉक्टर ने मुझसे कहा वी ऑल नीड बैलेंस न्यूट्रिशन टू फंक्शन प्रॉपर्ली द डॉक्टर टोल्ड मी डॉक्टर ने मुझे बताया दैट वी ऑल नीड बैलेंसड न्यूट्रिशन टू फंक्शन प्रॉपर्ली द टीचर सेड टू द पेरेंट टीचर ने पेरेंट से कहा लेट द चाइल्ड स्टडी द चैप्टर इन सेक्शंस बिफोर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर सो यहाँ पर एडवाइस हो गई एक तरीके की द टीचर एडवाइज द पेरेंट टू लेट द चाइल्ड स्टडी द चैप्टर इन सेक्शंस बिफोर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर सो so, इस तरीके से आपकी जो एजर्टिव सेंटेंसेज हैं उनकी रिपोर्टिंग होती है देन आता है आपका रिपोर्टिंग or इंक्वायर्ड सो so, जब हम कभी रिपोर्टिंग स्पीच सॉरी इंट्रोगेटिव सेंटेंस को रिपोर्ट करते हैं रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करते हैं सो so आपका जो वर्ब होता है सैड वो चेंज हो जाता है asked और इंक्वायर्ड में लाइक वॉन्टेड टू नो और वॉन्डर्ड We also use whether, if or the question word, who, where, what, when, how, who's used in the sentence to begin the words of the speaker. The guide said to Sanjay, have you been a Himalaya trek before? The guide asked Sanjay whether he had been on a Himalaya trek before. My uncle said to Akshay, how do you plan to deliver books to the remote co corners of India? माई अंकल वॉन्टेड टू नो हाउ अक्षय प्लान टू डिलीवर बुक्स टू द रिमोट कारनर्स ऑफ इंडिया सो आपकी रिपोर्टिंग जो होती है इंट्रोगेटिव इंट्रोगे की उसमें आप इस तरीके की वर्ब्स का भी यूज कर सकते हैं

कृपया मुझे किताब जो है वो अगले हफ्ते के लिए भी रखने दें तो यहाँ पर एक रिक्वेस्ट हो गई राम रिक्वेस्टेड द लाइब्रेरियन टू लेट हिम कीप द बुक फॉर अनदर वीक मिसेस रॉय सेड टू हर स्टूडेंट मिसेस रॉय ने अपने स्टूडेंट से कहा यू कुड गिव सैपलिंग्स एज रिटर्न गिफ्ट ऑन योर बर्थडे तुम अपने बर्थडे पर रिटर्न uh, गिफ्ट के रूप में सैपलिंग मीनस छोटे पौधे दे सकते हो सो so, यहाँ पर इंकरेज किया जा रहा है फॉर द इन्वायरमेंट मिसिज रॉय इंकरेज हर स्टूडेंट्स टू गिव सैपलिंग्स एज रिटर्न गिफ्ट ऑफ दियर बर्थडे वॉच आउट देख लेते हैं वी नेवर यूज टू आफ्टर द रिपोर्टिंग वर्ब रिक्वेस्टेड हम कभी रिक्वेस्टेड के बाद टू नहीं लगाते हैं वी रिक्वेस्टेड हिम टू लेट अस यूज द ऑडिटोरियम फॉर डांस प्रैक्टिस ना कि वी रिक्वेस्टेड टू हिम ओके नेक्स्ट आता है आपका रिपोर्टिंग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज

Hurray I come I came first in the exam pakhi exclaimed joyfully that she had uh, come uh, first in the exam deepak exclaimed what a clever boy ravi is deepak exclaimed that ravi was a very clever boy next aapka hai, reporting a conversation while reporting a dialogue we should not use the reporting verbs सैड और टोल्ड इन एवरी सेंटेंस जब हम एक uh, dialogue को रिपोर्ट कर रहे हैं तो हमें रिपोर्टिंग वर्ब में सैड और टोल्ड ही हर सेंटेंस में यूज नहीं करना चाहिए We should also use verbs like replied, added, asked and informed इस तरीके की हम uh, verb का भी use कर सकते हैं If the same person speaks many lines वन आफ्टर द अदर अगर एक ही व्यक्ति बहुत सारी लाइन्स बोलता है एक के बाद एक वी मे नॉट यूज अ रिपोर्टिंग वर्ब आफ्टर द फर्स्ट सेंटेंस तो हम क्या करते हैं केवल फर्स्ट सेंटेंस में ही रिपोर्टिंग वर्ब लगाते हैं और उसके बाद नहीं लगाते हैं वी कैन डायरेक्टली राइट द लेटर सेंटेंसेज इन इन डायरेक्ट स्पीच तो एक ही व्यक्ति लगातार बात करता जा रहा है तो हम क्या करते हैं पहली बार में ही रिपोर्टिंग वर्ब लगाते हैं और उसके बाद हम डायरेक्ट उसके सेन्टेंसेज ही लिख देते हैं लुक एट द फॉलोइंग डायलॉग एंड द वे It is reported in indirect speech. Dr. Sen, ne kaha, how do you think a book when will help people? Sarita, a lot of people will have access to books. Dr. Sen, will one when uh, be enough for your purpose? Sarita, perhaps not. However, right now I can afford to buy only one van. Dr. Sen, it is a wonderful idea. All the best for your endeavor. So, in direct speech, mein kis likha? Dr. Sen asked Sarita how uh, she thought a book van would help people. Sarita replied that a lot of people would have access to books. Dr. Sen wondered whether one van would be enough to her purpose. Sarita agreed that one van would probably not be enough. However, she could afford to buy only one van at that moment. Dr. Sen remarked that it was a wonderful idea and he wished. हर ऑल द बेस्ट फॉर हर इंडिवियर सो इस तरीके से आप एक पूरी कॉन्वर्जेशन को रिपोर्ट कर सकते हैं रिपोर्टेड स्पीच में चेंज कर सकते हैं सो दिस वॉज द एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल द रूल्स वेन यू आर चेंजिंग अन्टेंस फ्रॉम डायरेक्ट टू इन डायरेक्ट स्पीच अ लिटिल कन्फ्यूजिंग इट इज बट इफ यू वॉच द होल वीडियो प्रॉपरली सो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड आई hope everything is clear to all of you if still any confusion is there so you can ask me on the whatsapp also i'll meet you in the another explanation video till that keep learning stay home stay safe bye bye everyone